ज्योति सुने, मैं चाहती हूँ ये और मेरे सामने आए, मैं उन्हें वो सबक सिखाना चाहती हूँ कभी इतनी गलती भूल के भी ना करें। आज कितनी लेडीज इनकी वजह से शर्मंद करके अपने घर में बैठी हुई है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के उनके हस्बैंड ने छुड़वा दिया है। क्यों? सिर्फ इन्हीं की वजह से। दुनिया की समझ लो औरतों को सबके ऊपर एक कलंक जैसा लगा दिया। जो लेडीज पढ़ना भी चाहती हैं वो भी अब बेचारी घर से नहीं निकल पाएंगी, और हस्बैंड भी अपने वाइफों को पढ़ाई लिखाई छुड़वा के घर में बैठाना चाह रहे हैं। उनके साथ में जो देख रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा भी हो सकता है। शर्म से डूब मर जाना चाहिए उसको। मेरे आंखों के सामने आ जाए तो पता नहीं मैं क्या हालत करूं उस लेडी की। ज्योति मौर्य के बारे में ये बोलूंगी, बताओ उसने क्या 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 कुछ गलत नहीं किया। बहुत गलत किया उसने। अपने हस्बैंड के बारे में बताई, उसने कितना गरीबी में होते हुए उसे कितना दूर तक उसे पढ़ाया। उसकी हैसियत नहीं थी लेकिन फिर भी उसने वो SDM बनवाया, उसे पढ़ाया, उसे अपना गरीबी को भूल के। लेकिन आज उसी के साथ उसने ये किया। ऐसी औरत को तो सच में मिल भी जाए मुझे तो मैं उसे छोड़ूँ ना। नफरत ऐसी औरतों से मुझे। अब तो उन्हें वो सफाई करने वाला ही बेकार लगेगा, वो जहाँ रह रही है साथ वही उनको अच्छा लग रहा होगा। पति एक उसका बहुत अच्छा इंसान है। उस बेचारे ने अपनी गरीबी भूल के बाल बच्चों की तरफ देखते हुए उसने सोचा कि साथ मेरी वाइफ ही कुछ आगे निकल जाए, मेरा हालत तो जो है सो है, आगे चल के हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसके हस्बैंड ने तो अपना अच्छा ही फर्ज अदा किया, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ धोखा दिया उसे। उस बदतमीज लेडी ने तो बहुत ही हद पार कर दी है। अपने बच्चों तक तो की देखा नहीं, बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा कि आगे इनका फ्यूचर क्या होगा। आज उसका फ्यूचर बन गया, ये सोचे फ्यूचर बन गया, नहीं, रॉन्ग। आगे चल के उसे रोना ही पड़ेगा।